नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अरसो डी ऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में, इसके फायदे क्या है और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका डोज है और क्या क्या साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल या कृत्रिम बाइल जूस है। जब हमारा पित्त में से ठीक प्रकार से बाइल का सीक्रेशन नहीं हो पाता है, तब बहुत सारी परेशानी हो सकती है। पेशेंट को उल्टी आ सकती है, भूख नहीं लगता है, जो भी खाते हैं ठीक प्रकार से पाचन नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा उल्टी करने की वजह से प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, और भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है। पेट का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पित्त में कोलेस्ट्रॉल का सिस्ट जमा हो जाता है, उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, वो गल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बाइल का सीक्रेशन हो नहीं पाता है, या फिर सीक्रेशन कम होने की वजह से वो जमा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन पेशेंटों के लिए। उपयोग करने से सिर्फ यूडिलीव या अरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल करने से ही सारी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ साथ और भी कई दवाइयां और हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका एक कम्बिनेशन बना के देते हैं डॉक्टर, और तभी आपको ये ठीक प्रकार से काम करता है, ठीक प्रकार से मरीज़ सही हो जाता है। सही डोज लेना बहुत ज़रूरी है, बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसका इस्तेमाल कभी मत करिए। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दवाई है, बहुत ही ज़्यादा फायदे की दवाई है, लेकिन इसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल ना करने से बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। जो आम साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि उबकाई, उल्टी होना, पेट दर्द, ऐंठन, मरण होना, बॉडी में चकत्ते होना, ये सब हो सकता है। लेकिन साथ साथ एक ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट इसका वो है, आपके सिर के बाल झड़ सकते हैं, यानी आपको गंजापन आ सकता है। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करिए। इसका जो डोज है वो है 13 mg से 15 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि इसका एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति सुबह शाम दो टैबलेट 600 mg का ले सकता है। तो दोस्तों ये था इसके डोज के बारे में और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इसका जो मेन काम है वो है हमारे बॉडी में बाइल का सीक्रेशन ठीक प्रकार से करना, इसका बैलेंस बना के रखना। जब हमारा पित्त में से ठीक प्रकार से बाइल का सीक्रेशन नहीं हो पाता है और कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है हमारे पित्त में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी कि पित्त थैले की जो पथरी है उसको गलाने का और काटने का ये करता है। और जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, तब हमारे बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। ज़्यादातर बीमारियां पेट से उत्पन्न होती है, और पेट का जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंट्रोल करता है लीवर, और लीवर ही इंडिकेट करता है बाइल पित्त को बाइल जूस सीक्रेशन करने में, और इससे बाइल जूस तो कंट्रोल में रहता ही है। साथ साथ जो पैनक्रियास है हमारा, वो भी ठीक प्रकार से काम करने लगता है, और जिसकी वजह से पूरा पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम करता है। और साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है तो हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, और अगर कोई समस्या ऐसे उत्पन्न होती है तो इस टैबलेट से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होने के बाद में नए कोलेस्ट्रॉल नहीं बनते, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आदि नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और ख़ासतौर से जो डॉक्टर से वो जब पेशेंट को, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको उल्टियाँ हो रही है, पैरों में दर्द है, उसका प्लेटलेट गिर गया है, तो उस समय प्लेटलेट उसको एकदम से इंक्रीज करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेशेंट को आगे और किसी प्रकार की कोई उल्टी ना हो, और पाचन तंत्र ठीक प्रकार से होने की वजह से उनका जब पैनक्रियास ठीक प्रकार से काम करता है तो प्लेटलेट भी उनका बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। तो दोस्तों यूडिलीव टैबलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। कितना डोज आपको देना है आपका डॉक्टर ही आपको निर्धारित करेंगे। हर मामले में इसका डोज अलग अलग होता है, हर बीमारी में और बीमारी के कंडीशन के हिसाब से इसका डोज ज़्यादा या कम हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने जानकारी दिया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत।